वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं और ख़ास करके इसके बारे में कहा जाता है कि ये हार्ट अटैक से बचाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो MBBS हैं, MD हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या बहुत सारे लोग MBBS MD हैं, फिजिशियन हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथ, आयुर्वेदाचार्य, और बहुत सारे आम लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ही जब नहीं जानेंगे आप, तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा के भी क्या करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है सेल के अंदर बनता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर बनता है कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर बन के ये इससे बाहर आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है मोटा मोटी बाद में कोलेस्ट्रॉल से फिर वो कुछ हार्मोन बनता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ये सब चीज़ बनता है। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर में जाता है, और लीवर से ये बाइल डक्ट के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है लेट्रिन से, मतलब बाइल से जाता है, बाइल से फिर इंटेस्टिन में आता है, इंटेस्टिन से बाहर आ जाता है। ये है टोटल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल बनता क्यों है, तो इसका जो हम लोग जो साइंटिफिक प्रोसेस है, बॉडी के सेल के अंदर एक्सेस फैट जो होता है उसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है। इस तरह से सेल के अंदर से एक्सेस फैट को बाहर निकालने का ये मैकेनिज्म है, या यूं कहें कि सेल के अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन जो है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। बॉडी के सेल के अंदर एक्सेस फैट जो होता है उसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है। और जब तक आप खुद अपना भलाई नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई क्यों सोचेगा। धन्यवाद।